नमस्कार दोस्तों, मैं हुसैन शुक्ला और स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल द अर्बन गुरु जी पे। आज हम जानेंगे कि हमारे देश का जो संविधान है वो हमें कौन कौन से मूल अधिकार देता है और उनसे हमारा जो अधिकार है वो कैसे संरक्षित रहता है। साथ ही साथ हमें कौन कौन से अधिकार मिले हुए हैं जिनसे हम अपने कार्यों का क्रियान्वयन अच्छे रूप से कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के एस्पिरेंट हैं और आपको फंडामेंटल राइट्स जो संविधान का एक पार्ट है उसको अध्ययन करना है या फिर उसके बारे में अच्छी जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को पूरा देखिए और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। सबसे पहले हम लेक्चर को स्टार्ट करेंगे कि हम देखेंगे कौन कौन से आर्टिकल संविधान में ऐसे हैं जो फंडामेंटल राइट्स के अंदर आते हैं और फंडामेंटल राइट्स के अंदर कौन कौन से राइट्स हमको मिले हुए हैं। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखो फंडामेंटल राइट्स के बेसिक्स के बारे में, तो बेसिकली संविधान का जो तीसरा पार्ट है या पार्ट थर्ड जिसको बोलते हैं उसके अंदर फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स आते हैं और ये स्टार्ट होते हैं आर्टिकल 12 टू लेके 35 तक, मतलब आर्टिकल 12 से लेके या अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक के अनुच्छेदों को फंडामेंटल राइट्स या फिर मूल अधिकार कहा जाता है। इनको इसलिए भी मूल अधिकार कहते हैं क्योंकि ये जो नागरिकों का संरक्षण है उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट राइट्स यही होते हैं और साथ ही साथ ये जो फंडामेंटल राइट्स है इनका क्रियान्वयन भी एक तरह से सरकारों की या फिर सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी मानी जाती है। अब इसके अगर ओरिजिन के बारे में बात करो अगर आप, तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं भारतीय संविधान में ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जब संविधान बनाया जा रहा था तो उस टाइम पे यूएस के संविधान से इसको अडाप्ट करा गया था और इसको मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है। और जो राइट्स हैं उनकी संख्या यहाँ पे 6 है इस टाइम पे। इनिशियली ये 7 थी और बाद में प्रॉपर्टी का जो राइट है और संपत्ति का अधिकार उसको एबोलिश कर दिया गया या फिर हटा दिया गया और वो एक कानूनी अधिकार रह गया, अब संवैधानिक अधिकार नहीं। तो इस टाइम पे 6 अधिकार आपके जो हैं फंडामेंटल राइट्स में आते हैं, जिसमें एग्जाम्पल के तौर पे आप राइट टू इक्वलिटी या फिर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ये इस टाइप के 6 राइट्स होते हैं। तो हम बात करेंगे अब इंडिविजुअली। पहली जो राइट है इंपॉर्टेंट वो है राइट टू इक्वलिटी या समता का अधिकार। तो हमारा जो देश है वहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि देश का हर एक नागरिक वो समान है, उसको समान अधिकार मिले हुए हैं, चाहे वो संवैधानिक हो या फिर नागरिक हो या फिर उसको कानूनी अधिकार जो भी है वो समान रूप से प्राप्त है। तो उसका जो आर्टिकल है आर्टिकल 14 वो ये कहता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मतलब कि जो देश का हर एक नागरिक है वो कानून के समक्ष एक नागरिक होगा, मतलब समान नागरिक होगा। कोई बड़ा है छोटा है अमीर है गरीब है वो मायने नहीं रखता, अगर उसने कोई जुर्म किया है तो उसकी समान सजा होगी। और दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मतलब कि जो कानून है वो सबके लिए सेम है और उसकी जो रक्षा है उस नागरिक की वो सबको समान मिलेगी, मतलब जो कानून की रक्षा के लिए मतलब जो भी कानून होगा वो हमेशा सबके लिए बराबर होगा। और दूसरा जो आर्टिकल 15 है वो है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, मतलब किसी भी व्यक्ति के जाति लिंग धर्म या फिर मजहब के आधार पे या उसके जन्म स्थान के आधार पे आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 15 बहुत पॉपुलर है इस टाइम पे क्योंकि ये जो आर्टिकल है इसमें मूवी भी बनी थी आर्टिकल 15। और भारत में जो छुआ अछूत वाला कॉन्सेप्ट है या फिर आपस में जो बराबरी वाला कॉन्सेप्ट पहले नहीं था वो ये आर्टिकल 15 जो है वो सिक्योर करता है क्योंकि हर एक कम्युनिटी के बीच में ये इक्वलिटी को शो करता है। आर्टिकल 16 के बारे में बात करेगा तो ये है इक्वल ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि अगर आप कोई काम करना चाहते हैं या रोजगार आपको चाहिए तो सबको समान अवसर मिलेगा या इक्वल अपॉर्चुनिटी, ये आपको आर्टिकल 16 देता है। आर्टिकल 17 के बारे में बात करेगा तो वो है प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब कि जो भारत में अछूत वाला कॉन्सेप्ट था कि कुछ मतलब समुदाय को अछूत माना जाता था और उनको छूना भी वर्जित माना जाता था, तो वो एक जो प्रथा थी भारत में उसको समाप्त करके ये आर्टिकल 70 किया गया कि आप किसी को ऐसा ही आप कर नहीं सकते और सबको आप इक्वल ट्रीटमेंट दीजिए। आर्टिकल 18 के बारे में कहा जाता है वो एबोलिशन ऑफ टाइटल्स मिलिट्री एंड एकेडमिक डिस्टिंक्शन और हवल एग्जेम्प्टेड। तो ये है कि कुछ जो पद हैं सरकारी या फिर सैनिक पद जो हैं उनको छोड़ के जो वैसी उपाधियाँ थी उनको हटाया गया कि कोई राय बहादुर है या कोई ऐसे कुछ है, ऐसी कोई उपाधि नहीं बची है। जो सैनिक है या फिर जो पुलिस फोर्स में है उनको ही पद से पुकारा जाएगा और आम नागरिकों को समान पद मतलब दिया जाएगा, वो एक समान नागरिक माने जाएंगे। अगला जो इम्पोर्टेंट राइट आता है वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का आज़ाद, मतलब बोलने की आज़ादी हमें कैसे मिलती है। तो उसमें जो पहला आर्टिकल है वो आर्टिकल 19 है, वो करता है गारंटी देता है सिटीजन्स ऑफ इंडिया को 6 टाइप के फंडामेंटल फ्रीडम्स को। पहला ये है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब हम कोई भी बात अपनी जो हम रखना चाहते हैं देश के विषय में किसी भी चीज़ के विषय में वो हम अपनी आज़ादी से रख सकते हैं। फ्रीडम ऑफ असेंबली, हम कहीं पे भी इकट्ठा हो सकते हैं, कॉन्ग्रीगेशन कर सकते हैं।
फ्रीडम ऑफ फॉर्म एसोसिएशन, मतलब हम कोई सा भी एक संगठन बना सकते हैं अपनी धार्मिक स्वतंत्रता के आधार पे, या फिर अपनी ट्रेड यूनियन वगैरह, या फिर जो भी आप बनाना चाहो बना सकते हो, उसके आधार ये हमारा संविधान देता है। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट मतलब आप कहीं भी आ जा सकते हो एक दूसरे जगह पे। और फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस एंड सेटल, मतलब आप भारत में कहीं भी सेटलमेंट अपना कर सकते हो। कुछ जो एग्जेम्प्टेड राज्य हैं जैसे कि J&K में 370 था, वो हट गया है, तो उसमें भी कुछ आर्टिकल्स हैं, या फिर नॉर्थ ईस्ट में कुछ जगहों पे है, उत्तराखंड में है, तो उन जगहों पर, या फिर रिजर्व जो जगह हैं, या फिर ट्राइबल एरियाज हैं, उनको छोड़ के आप भारत में लगभग हर जगह मेनलैंड इंडिया में आप अपनी कॉलोनी बसा सकते हो, या फिर घर अपना बना सकते हो। अब इसी टाइप के हैं फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड, बिजनेस, मतलब अपनी मर्जी का आप बिजनेस कर सकते हो, अपनी मर्जी का आप व्यवसाय कर सकते हो, अपनी मर्जी से आप कोई भी नौकरी कर सकते हो, कोई भी जो भी आप करना चाहो कर सकते हो व्यापारिक दृष्टिकोण से। अब इसी में आर्टिकल 20 आता है एक अगला, वो है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। तो अगर आपको कोई जुर्म करा है, या फिर कोई आपसे वो हुआ है, तो आप अपनी जो सफाई है वो कोर्ट के समक्ष देते हैं, और उसके लिए आपको समान अवसर देता है कोर्ट। और अगला जो आर्टिकल 21 है वो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, कि मतलब किसी भी मनुष्य के जीवन की और उसकी जो व्यक्तिगत आज़ादी है उसको एक तरह से ये मजबूती देता है, किसी को आप बंधुआ नहीं बना सकते हैं, और उसकी जान लेने का अधिकार आपको नहीं है, तो अपनी जान बचाने का अधिकार हर किसी को है। ये आर्टिकल 21 के हिसाब से आप देख सकते हैं। आर्टिकल 22 के बारे में कहा जाता है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टन केसेस। तो अगर मान लो आपको कोई अरेस्ट कर रहा है या डिटेंशन में डाल रहा है, तो उस टाइम पे आप अपने कुछ अधिकार कोर्ट के सामने रखते हैं, या फिर कोर्ट आपको प्रोवाइड करता है, तो वो उस टाइप का आर्टिकल 22 है कि आपको अनावश्यक गिरफ्तार ना किया जाए, या फिर जब जरूरी हो तभी आप गिरफ्तार होंगे, ये आर्टिकल 22 प्रोवाइड करता है। अब अगला जो राइट है वो आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, मतलब कि जो आपके खिलाफ तुष्टिकरण हो रहा है उसके खिलाफ आपको अधिकार प्राप्त हुए हैं। इसमें दो आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 23 है ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स प्रोहिबिटेड, मतलब कि आप मानव तस्करी नहीं कर सकते हैं, एक आदमी को जबरदस्ती आप कैद करके कहीं आप बेच नहीं सकते हैं, किसी के उसके अंगों का तस्करी नहीं कर सकते हैं, ह्यूमन पार्ट्स की तस्करी नहीं कर सकते हैं, या फिर आप किसी और तरीके से उसको दूसरी जगह नहीं भेज सकते हैं उसकी मर्जी के खिलाफ। और आर्टिकल 24 है इसी में, वो कहता है कि 14 साल से कम उम्र का कोई बच्चा, उसको नौकरी भी आप नहीं रख सकते हैं, उसको एम्प्लॉयमेंट में आप नहीं डाल सकते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया में ये बहुत पॉपुलर है कि 14 वर्ष से नीचे की उम्र के बच्चों को आप बहुत सारे होटल्स में या फिर बहुत सारे दुकानों पर नौकरी पर रखते हैं लोग, जो कि बहुत ही गलत है, क्योंकि ऐसे बच्चों के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो, उनकी पढ़ाई की उम्र में आप उनसे रोजगार का काम करा रहे हो, और जिससे उनका मानसिक विकास अवरुद्ध होता है और उनमें मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अगला जो हमारा राइट है वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये आता है इसमें 25 आर्टिकल जो है वहाँ से लेकर 28 आर्टिकल तक। तो इसमें जो 25 आर्टिकल है वो है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, मतलब कि अपनी जो अंतरात्मा है उससे आप कोई भी धर्म की, कोई भी मजहब की, किसी भी देवता की, किसी भी चीज़ की आप पूजा कर सकते हो, अपनी बात आप कहीं भी रख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रोपगेट कर सकते हो अपना धर्म, मतलब किसी को बता सकते हो कि हमारे धर्म में ये चीज़ें हैं, हमारे धर्म में ये चीज़ें अच्छी बातें, आप पॉजिटिविटी आप फैला सकते हो। अगला है 26 आर्टिकल, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, मतलब धार्मिक काम आप जो भी करना चाहो, जैसे कि आपको कोई पूजा करनी है, या फिर मुस्लिम्स लोगों को जो नमाज़ पढ़नी है, या फिर जो आप करना चाहो, क्रिश्चियंस को गिरजाघर में जाना है, तो वो सब काम आप कर सकते हो। अगला है आर्टिकल 27, वो फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस परमिशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। तो इसमें क्या है कि धार्मिक कर कोई सारे होते हैं, वो भी आप अपना प्रमोट कर सकते हो कि हम अपने धर्म के प्रमोशन के लिए हमको पैसा चाहिए, चंदा चाहिए, जैसे कोई सा भी आप पंडा लगाते हो दुर्गा जी का या फिर किसी भी देवता का, तो उसके लिए आप फंड्स इकट्ठा करते हो आप पब्लिक में, तो वो काम आप कर सकते हो, दैट इज़ योर चॉइस, ये आपको गवर्नमेंट या फिर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है अधिकार। अब अगला 28 जो आर्टिकल है वो है फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एज रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो ये भी इस तरह से अधिकार आपको मिला हुआ है कि धार्मिक रूप से आपकी जो स्वतंत्रता है वो बची रहेगी इस अधिकार के द्वारा। अगले जो पांचवे पार्ट है उसको बोलते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, मतलब कि सांस्कृतिक और शैक्षणिक आज़ादी जो आपको मिली हुई है या अधिकार मिला हुआ उसके ऊपर है। तो इसमें जो आर्टिकल 29 है उसका फर्स्ट पार्ट ये कहता है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, मतलब जो भारत में अल्पसंख्यक हैं उनके हितों का संरक्षण करता है ये अधिकार। अब इसका जो 29 का सेकेंड सेक्शन है वो ये कहता है
फ्रीडम टू गेट एडमिशन एजुकेशन इंस्टीट्यूट, मतलब कि जो माइनॉरिटीज़ हैं वो उनको आज़ादी मिले कि भारत के किसी भी शैक्षणिक संस्थान में उनको दाखिला मिले। अब आर्टिकल 30(1) है उसी में कहता है कि राइट टू माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो ये कहता है कि जो अल्पसंख्यक हैं भारत के वो अपने जो शैक्षणिक संस्थान हैं व्यक्तिगत रूप से उन्हें खोल सकते हैं, जैसे कि आप देखो मदरसे खुलते हैं या फिर कॉन्ग्रीगेशन के बहुत सारे आपने देखा जमात वगैरह खुलती हैं, तो ये सब चीज़ें आप खोल सकते हैं। अब एक है नो डिस्क्रिमिनेशन वाइल गिविंग ग्रांट्स आर्टिकल 32, मतलब कि अगर आपको कोई सहायता देनी है पब्लिक में तो आप किसी को भेदभाव नहीं कर सकते हैं कि उसके कास्ट के हिसाब से या फिर उसके धर्म के हिसाब से, इन सब चीज़ों को ये प्रिवेंट करता है। छठवां जो इम्पोर्टेंट है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट है संविधान में क्योंकि इसका जो है यही मूल माना जाता है। बी आर अम्बेडकर ने जब इसको संविधान में डाला था तो उनका ये मानना था कि यही संविधान का मूल है क्योंकि इसी से संवैधानिक उपचार की संरक्षण होता है और प्रत्येक नागरिक को उसके जो मतलब राइट्स हैं उनका संरक्षण इसी से मिलता है। तो कोई भी सिटीजन है अगर आपको लग रहा है कि आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसका वायलेशन हो रहा है या फिर पालन नहीं हो रहा है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32(1) के तहत, और वहाँ पे आपको जो 5 मिले हुए हैं मैंडमेस क्वो वारंटो या फिर हैबियस कॉर्पस इस टाइप के 5 आप कोई सभी फॉलो करा के आपको वहाँ पे संरक्षण होगा। तो ये आर्टिकल 32 बहुत इंपॉर्टेंट है कि 32 में हैबियस कॉर्पस मैंडमस प्रोहिबिशन क्वो वारंटो और सर्टियोरी ये 5ों आपका संरक्षण करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के रूप में या फिर संवैधानिक उपचारों के रूप में। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं इसमें आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 32 के बीच में मेन आते हैं। अब आर्टिकल 12 भी आता है और 13 भी आता है क्योंकि आर्टिकल 12 जो है वो स्टेट को डिफाइन करता है कि स्टेट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है और भारत में के संविधान के अंदर आता है, ये आर्टिकल 12 डिफाइन करता है। और जो आर्टिकल 13 है वो ये डिफाइन करता है कि जुडिशियल रिव्यू, मतलब कि आप कोई भी न्यायिक प्रक्रिया है या न्यायिक समीक्षा है उसको आप एक तरह से कर सकते हैं। और इसी तरह से 33 से लेकर 35 तक भी संवैधानिक रूप से जुड़े हुए हैं जो सेंटर और स्टेट के बीच में संबंध को जाते हैं। तो ये जो आर्टिकल 12 से लेके 35 तक के अधिकार हैं वो फंडामेंटल राइट्स में माने गए हैं। तो आई होप ये लेक्चर आपको प्रोडक्टिव लगा होगा, और अगर आपको ये फंडामेंटल राइट्स का सेक्शन अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, साथ ही साथ हमें कमेंट बॉक्स में ये सेंड करिए कि आपको अगले कौन से टॉपिक्स में नॉलेज चाहिए या कौन से टॉपिक्स आपके वीक हैं जीएस सेक्शन में, जिससे आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।